गाइस सुबह सुबह राइड करके हम लोग पहुंच गए गोवा के मोस्ट आइकॉनिक रोड पे पैरा रोड। अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और लेते हैं कुछ मस्त मस्त इंस्टाग्राम वाले फोटो। तुम लोग बड़ी जल्दी आ गए भाई। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो सारे चमक रहे हो, नहा धो के आए हो। आज हम सब बिना नहाए धोए हैं। मेकअप ज्यादा किया है आज? मैं सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ है। 2-3 प्री वेडिंग चल रही हैं और पर्सनल फोटोशूट चल रहे हैं। रोड ना पूरा भरा हुआ है और यहाँ से ट्रैफिक भी जा रहा है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है कि लोग बीच में फ़ोटो खींच रहे हैं, अचानक से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। बट एनीवे वायरल है तो वायरल है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस और थोड़ी देर होटल में चिल करेंगे, होटल को एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम टू चपोरा फोर्ट सर। क्या क्या भाई? सबसे पहले तो आप पानी लेके जाओ, पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऊपर 117 स्टेप्स है। ऐसा क्यों? जी हाँ, और रिटर्न में आओ हमारे पास स्पेशल पुष्पा सोडा है, झुकेगा भी नहीं रुकेगा भी नहीं। अच्छा, और दिल चाहता है स्पेशल सोडा भी है हमारे पास। ये क्या क्या है? ये कोकम है सर, स्पेशल वेलकम ड्रिंक, गोवा का बोलते हैं इसको वेलकम ड्रिंक कोकम शरबत। ये नेचुरल है सर, ये डेमो रखते हैं हम, डेमो के लिए हम डिस्प्ले रखते हैं इसको, बाद में आप रिटर्न में ट्राई करो। 100% मनी बैक गारंटी ऑन टेस्टलेस आइटम। कोकोनट है, किचन है हमारा, मैगी ऑमलेट पास्ता पिज्जा सब कुछ मिलता है सर इधर। सब कुछ है, पिज्जा सब कुछ, हाँ सब कुछ, चीज सैंडविच है, सब कुछ मिलेगा सर। अभी मैं हूँ चपोरा फोर्ट पे, यहाँ पे बहुत मस्त हवा चल रही है और नीचे ना व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, नीचे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो अपनी शाम हम लोग यहीं पे स्पेंड करने वाले हैं, रात को फिर कहीं जाएंगे। गाइस ये सामने देख रहे हैं आप चपोरा फोर्ट से व्यू कितना प्यारा आ रहा है, देखो एकदम मतलब मज़ा ही आ गया। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। और नीचे ना बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, उधर देखो पैरासेलिंग और ये सारी, इधर कायाकिंग वगैरह टाइप बोटिंग वगैरह करा रहे हैं सामने। नीचे ना इधर देखो यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है, वहाँ पे वो बोट के पीछे बांध के वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पैरासेलिंग हो रहा है उधर। और क्या व्यू है, तो गाइस यहाँ पे बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया और अब आने लगी बारिश, इसलिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ की वाइब बहुत प्यारी थी, जाने का मन नहीं कर रहा, बट वी हैव टू गो। अभी कुछ और एक्सप्लोर करने जाएंगे। चपोरा फोर्ट तो हो गया, मतलब एक दिन में हम लोग 2-3 चीज़ें कवर कर ले रहे हैं। तो आज सुबह हम गए थे पैरा रोड और अभी आए चपोरा फोर्ट, और रात को होपफुली आज हम कोई क्लब एक्सप्लोर करेंगे। गोवा में हमारा 6ठा दिन है और अभी तक मैं किसी क्लब में नहीं गया हूँ। ये है चपोरा फोर्ट ऊपर जाने से पहले की मार्केट, और यहाँ पे बहुत सारा फैंसी आइटम मिल रहा है, इफ़ यू वांट समथिंग। बहुत सारे कपड़े हैं गोवा की, रंग बिरंगी शर्ट्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड सो मेनी थिंग्स। अभी हम लोग जा रहे हैं बागा बीच और वहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे। सचदा सर पीछे आ रहे हैं और हम आगे आगे आ रहे हैं। पहुंच गए टीटोज लेन में बागा बीच पे, इधर बागा बीच है, ये टीटोज लेन है मेरे बराबर में जो अभी आपने रास्ते में देखी। तो अभी एक दो क्रम में पता करते हैं कि कोई हमको एंट्री देगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैमरे और वी वांट कि हम अंदर का कुछ शूट कर पाएँ। तो लेट्स सी, आई थिंक ये लोग एंट्री देते नहीं है, बट वी विल ट्राई।
कौन हो अभी, सब प्लान ना अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, पता नहीं कब कहाँ कब क्या हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा। गाइज हम लोग गए थे टीटोज लेन, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, टीटोज बहुत नॉर्मल लगा मुझे, अंदर से कुछ क्राउड नहीं था। तो हम आए एक मस्त सीक्रेट पार्टी जो कि होने वाली है इस जगह पे, और ये एकदम अमेजिंग जगह मुझे लग रही है, बहुत तगड़ी वाली। इसका नाम है बैंग बैंग गोवा। तो आज बैंग बैंग गोवा में बैंग बैंग होने वाला है, मस्त मजा आएगा। चलो पहले आपको दिखाता हूँ कि अंदर हो क्या रहा है, सीन्स क्या है।